कि आप 5 साल के अंदर जो है, 3 साल के अंदर जो है वो 25% की डिवेस्टमेंट करेंगे. अभी सिर्फ 20% की डिवेस्टमेंट हुई है और गोइंग फॉरवर्ड आपको 5% की फर्दर डिवेस्टमेंट करनी है. पीपल आर इनफैक्ट थिंकिंग कि क्या आप कोई नया इशू भी दे सकते हैं, राइट का इशू भी पहले से दे सकते हैं, या आप सिर्फ 3 साल में ये 5% शेयर्स जो हैं वो इसी तरह डाइवेस्ट करेंगे जिस तरह आप कर रहे हैं. देखिए सानी, ये आपका क्वेश्चन जो है ना, दिस इज अ वेरी इम्पोर्टेंट एंड इम्पोर्टेंट रिलेटेड टू द बिजनेस प्लान एंड आल्सो क्वाइट अ लोडेड क्वेश्चन. देखिए, जो हम द बिजनेस दैट वी कंसीव्ड उसके लिए 1 बिलियन रुपया या 2 बिलियन रुपया काफी नहीं है. इफ वी अचीव सक्सेस, एंड दैट्स व्हाई अगर आप पिछले सेगमेंट में आपको ये बताता रहा, 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट है. So the requirement could be immense. ये जिन markets में अभी हम काम करेंगे और जहां हमने अपना पहला success achieve करना है, आप इसे समझें कि step zero है. We considered it step one because वो profit भी देगा, सब कुछ करेगा, but in the world scheme of things, it is step zero. So the requirement after that can be humongous. हमें बाहर से कैपिटल रेज करना है, लोकल से करके करना है, क्योंकि जब हम बाहर से भी कैपिटल रेज करेंगे तो एक तो हमारी कमिटमेंट है कि काम सारा पाकिस्तान में ही होना है. एंड ऑल द डेवलपमेंट वर्क एंड एवरीथिंग हैज टू बी डन इन पाकिस्तान. सो ऑल द स्केलिंग अप एंड द कॉस्ट सेंटर वुड ओनली बी पाकिस्तान. सो ये जो 3 साल का, तो वैसे ही एक हमने पूरा एड्रेस करने के लिए, क्योंकि 1 साल की अपेरेंटली आई नो कि देयर इज अ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट दैट यू नो वी कांट डाइल्यूट एनी फर्दर फॉर 1 ईयर, आई मीन व्हाटएवर दैट इज. एनीवे, वो तो हमने एक कागज पूरे करने के लिए 3 साल का कहा है. दैट द अपॉर्चुनिटीज इफ वी अचीव आवर इनिशियल गोल्स आर सो मच कि जस्ट सिर्फ पाकिस्तान की पब्लिक ही नहीं, वी विल हैव टू रेज कैपिटल इंटरनेशनली at a much higher level than what we started for. Because 11,000 applications is really phenomenal, because in recent past 2 years, 10 se zyada IPOs, one of the policy board member came to our program and said ke 10 IPOs में से वो सिर्फ 3 को IPOs मानते हैं, बिकॉज बाकी सारे के सारे जो हैं उसकी प्लेसमेंट पहले से हुई थी. सो सारे लोग इस बात पर कंसर्न रहते हैं पाकिस्तान में कि 2000 से ज़्यादा इन्वेस्टर किसी स्टॉक की तरफ देखता ही नहीं. एंड यू गॉट एन ऑर्डनरी मैन ऑन द स्ट्रीट कम फॉरवर्ड एंड गिव यू द मनी, हैंड यू ओवर द मनी. सो दिस इज ग्रेट. पाकिस्तान में व्हाट इज योर क्लाइंटल, थोड़ा सा इसके लिए भी थोड़ा सा बताइएगा हमारी ऑडियंस को. देखिए सानी, ये तो आप मेरे पे और प्रेशर डाल रहे हैं ये बात करके. लेकिन आपकी बात ठीक है. ये एंड आई कैन नॉट टेक द क्रेडिट ऑफ दिस. आई थिंक ये मौजूम द बीएमए टीम एंड साथ दे हैव डन अ ग्रेट जॉब एंड आवर सीईओ. इन 2003-4 वी स्टार्टेड अ वन रूम ऑफिस. And now we have expanded. We have about 100 people in 3 geographies, Saudi Arabia, Qatar, and Dubai. Now, the investment that we have asked for, we have to deploy that with our talent onto achieving the technical milestones. Agar government incubator banati hai, for us, the whole of the Pakistani market and our Pakistani customers are our incubators who support us like anything. Our customer profile has improved tremendously. So our customers are like ADNOC, Aramco, Qatar Petroleum, Ashghal. So the customers are top quality. In terms of book building and IPOs, Pakistan mein kabhi nahi aisa hua ke more than 30 times koi issue jo hai wo book building mein subscribe hua. Pakistan ki tareekh mein kabhi nahi aisa hua ke 11,000 se zyada investor ne 500 शेयर्स के लिए दरख्वास्त दी हो. आई एम टोटली ओवरवेल्म्ड बाय द इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एंड द वे इन्वेस्टर्स हैव बैक्ड आवर आइडिया. देखिए, एंटरप्रेन्योर बाय नेचर अपने आइडिया से टोटली मैरिड होता है. उससे तो आप पूछें तो वो तो ही कैन नॉट बज फ्रॉम व्हाट ही थिंक्स. लेकिन द वे मार्केट हैज एम्ब्रेस्ड and the way market came forward to an idea which is
in our opinion, quite unique and which is very technical. ये एक मेरे लिए भी बहुत ही amazing बात है कि हम अब टीम में जब बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि ये इतने रिस्पॉन्स के बाद we have to go beyond our target that what we had set for. So yes, I am totally delighted जिस किस्म का रिस्पॉन्स आया है और दूसरी तरफ बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पे आ गई. लेकिन इस वक्त आप what we have to focus on is in the next 2 years. उसके अंदर जो हमारे सेल्स के टारगेट्स हैं इन आर ओन मार्केट जो कि बहुत ही हम्बल टारगेट्स हैं एंड दैट आल्सो आई कॉल अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट. नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू वॉचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स. नाज़रीन, हमने देखा है कि रिसेंटली कोई 8-10 IPOs आ चुके हैं. 10 में से 7 IPOs के लिए हमारे प्रोग्राम में खालिद मिर्ज़ा कह के जा चुके हैं कि जिन्होंने कहा था कि 7 IPOs को कहा जा सकता है कि उनके पीछे अंडरराइटिंग थी तो वो जेन्युइन IPO नहीं थे, मगर 3 IPOs के लिए उन्होंने कहा कि दोज़ वर द जेन्युइन IPOs. अभी रिसेंटली 2 IPOs आए हैं, एक एयरलिंक का और एक ऑक्टोपस का. बोथ हैव परफॉर्म्ड फिनोमिनली वेल. इन दोनों के जो लीड मैनेजर्स थे वो ज़रा मुख्तलिफ थे, यानी JS एंड BA में बोथ हैव अर्नड ग्रेट रेपुटेशन इन द मार्केट बिकॉज दोनों ने इन्वेस्टर को कुछ ना कुछ दिया है. और बाकी जो दूसरे स्टॉक्स आए हैं उसमें हमने देखा है चैलेंजेस रहे हैं, बट इन फैक्ट दोज स्टॉक्स आर ऑल्सो गुड despite the point which Khalid Mirza raised. So we hope ke going forward Pakistan mein naye IPOs aayenge. Aaj ke program mein hum jis cheez pe guftugu karenge, that is the IPO of Octopus. Uske results are superb. We would today in today's program talk to Bakhtiar, who is the chairman of the Octopus and the CEO of the Evincion. Unse baatcheet karenge ke unka IPO kaisa raha. Bakhtiar sir, welcome to the show and assalamu alaikum. No, thank you so much. It's my pleasure. Bakhtiar sir, zara farmayega ke your company has done very well in terms of book building and IPOs. Pakistan mein kabhi nahi aisa hua ke more than 30 times koi issue jo hai wo book building mein subscribe hua. Pakistan ki tareekh mein kabhi nahi aisa hua ke 11,000 se zyada investor ne 500 shares ke liye darkhast di ho. This is super. This is great. I would want you to kindly share your future plans. Company क्या करती है थोड़ा सा please जो नए लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा बता दें, नए shareholders के लिए बता दें what does your company do and what are your future plans? Again, excuse me. Before I go on to telling something about the company, सबसे पहले तो I am totally overwhelmed by the investor confidence and the way investors have backed our idea. Dekhiye, entrepreneur by nature apne idea se totally married hota hai. Usse to aap puchhe to wo to he cannot budge from what he thinks. Lekin the way market has embraced and the way market came forward to an idea which is in our opinion quite unique and which is very technical, ye ek mere liye bhi bahut hi amazing baat hai. I don't know how you rate it, but ek local Pakistani market ka is tarah react karna aur itna confidence dena hame. So ek to isne ye kiya ke hamara jo business plan hai that has been validated by an external source which is not in the same business that we are, so all these investors. दूसरा इसने ये किया कि हम पे इतनी जिम्मेदारी डाल दी है कि हम अब टीम में जब बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि ये इतने रिस्पॉन्स के बाद वी हैव टू गो बियॉन्ड आवर टारगेट दैट व्हाट वी हैड सेट फॉर. सो यस, आई एम टोटली डिलाइटेड जिस किस्म का रिस्पॉन्स आया है और दूसरी तरफ बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पे आ गई है. ओके, ग्रेट. सो हाउ अबाउट योर फ्यूचर प्लान्स 4 से 5 साल? देखिए, फ्यूचर प्लान, देखिए अगर आप हमारा ये हमने अपना प्रोस्पेक्टस में एंड इन आर पिच डेक काफी एक्सप्लेन किया है. एक चीज जो बहुत जरूरी है, जो मे बी इन ऑल द थिंग्स पीपल
it is not communicated as effectively is that we are solving a problem of manufacturing which is not being resolved in a way that we are. So essentially, we would be providing something unique. Us tarike se pehle nahi hua hua. Hamare proof of concepts have been exceptionally well. We think that in our own home markets, it will be a slam dunk. Dekhiye, future, to when you define something as if it is new, it is very technical, and it is solving a problem, to future to bahut acha lagta hai. Lekin is waqt aap, what we have to focus on is in the next 2 years. Uske andar jo hamare sales ke targets hain in our own market, jo ke bahut hi humble targets hain, and that also I call a proof of concept, kyunki uske baad real growth humne aage leke jani hai. Aur do jo hamare technical targets hain, humne apne initial technical targets bahut effectively meet kiye hain, but now the investment that we have asked for, wo we have to deploy that with our talent onto achieving the technical milestones. तो अगर हम वो दो ये चीजें अगले दो साल में कर लें, फिर तो द वर्ल्ड इज आर्ट. आई मीन एंड देन द फ्यूचर गोज वे बियॉन्ड द प्रोजेक्शंस दैट वी प्रोवाइडेड. सो वो तो हमारी टीम एक्सट्रीमली एक्साइटेड है टू व्हाट इज इन स्टोर विद अस, बट वी वांट टू फोकस राइट नाउ ऑन द नेक्स्ट 2 years व्हिच आर वेरी वेल डिफाइंड इन आवर बिजनेस प्लान. ओके ग्रेट. So you've been saying कि पाकिस्तान में जो कस्टमर्स हैं उनका भी आप शुक्रिया अदा करते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं एंड स्पेशली द इन्वेस्टर्स जिसको इस सेक्टर की भी इतनी समझ नहीं है, दे जस्ट हैपन टू बी द इन्वेस्टर. आई वुड रादर से एन ऑर्डनरी मैन ऑन द स्ट्रीट, बिकॉज 11,000 एप्लीकेशंस इज रियली फिनोमिनल. बिकॉज इन रीसेंट पास्ट 2 years 10 से ज़्यादा IPOs, वन ऑफ द पॉलिसी बोर्ड मेम्बर केम टू आवर प्रोग्राम एंड सेड कि 10 IPOs में से वो सिर्फ 3 को IPOs मानते हैं, बिकॉज बाकी सारे के सारे जो हैं उसकी प्लेसमेंट पहले से हुई थी. सो सारे लोग इस बात पर कंसर्न रहते हैं पाकिस्तान में कि 2000 से ज़्यादा इन्वेस्टर किसी स्टॉक की तरफ देखता ही नहीं, एंड यू गॉट एन ऑर्डनरी मैन ऑन द स्ट्रीट कम फॉरवर्ड एंड गिव यू द मनी, हैंड यू ओवर द मनी. सो दिस इज ग्रेट. पाकिस्तान में व्हाट इज योर क्लाइंटल, थोड़ा सा उसके इसके लिए भी थोड़ा सा बताइएगा हमारी ऑडियंस को. देखें सानी, ये तो आप मेरे पे और प्रेशर डाल रहे हैं ये बातें करके. लेकिन आपकी बात ठीक है. ये एंड आई कैन नॉट टेक द क्रेडिट ऑफ दिस. आई थिंक ये मौजूद एंड BMA टीम एंड दे हैव डन अ ग्रेट जॉब, एंड आवर CEO अस्मार, ही हैज बीन रनिंग विद देम, और हर इन्वेस्टर को और डिफरेंट लोगों को जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि हमारा बिजनेस मॉडल क्या है, बिकॉज एक टेक्निकल चीज को इस तरह एक्सप्लेन करना कि हर एक को समझ आ सके इन कॉन्टेक्स्ट, दे हैव डन अ वेरी गुड जॉब. सो मे बी उससे पहले, आई एम नॉट ट्राइंग टू अंडरमाइन एनीवन, मे बी उतनी एफर्ट ना की गई हो इन एक्सप्लेनिंग द बिजनेस प्लान टू कॉमन इन्वेस्टर. सो मे बी एक तो ये रीजन है. तो यस, एज आई सेड, और दूसरा हमारे कस्टमर्स, यू नो इट इज अमेजिंग के जिस तरह पाकिस्तान के हमारे टॉप क्लास कस्टमर्स, एटलीस्ट आई कैन टॉक अबाउट माई बिजनेस, वी वर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट द वे आर लोकल कस्टमर्स राइज अप एंड आर विलिंग टू टेस्ट आउट न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू टेक्नोलॉजीज, और उन्होंने हमें जिस तरह सपोर्ट किया, सम ऑफ देम हैव इवन यू नो इन्वेस्टेड इन आर IPO, तो वो तो अमेजिंग. एंड आई टॉक अबाउट इट ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट इफ आई डिड नॉट हैव द कस्टमर्स फ्रॉम पाकिस्तान, वी कुड नॉट हैव डेवलप्ड एनी ऑफ द आइडियाज दैट वी हैव और एनी ऑफ द टेक्नोलॉजी दैट वी वांट टू डिप्लॉय. तो हम पहले पाकिस्तान में डिप्लॉय करते हैं, कस्टमर्स के साथ उसको सक्सेसफुल करते हैं, देन वी टेक. सो अगर गवर्नमेंट इंक्यूबेटर बनाती है तो फॉर अस the whole of the Pakistani market and our Pakistani customers are our incubators who support us like anything. I think that addresses your question about customers. Exactly. So outside Pakistan, आपके जो growth plans हैं थोड़े से वो भी share करेंगे. What type of clientele are you looking at? Who are your customers in the Middle East and the Far Eastern region?
देखिए मिडिल ईस्ट में वी केम अराउंड आई थिंक इन 2004 वी स्टार्टेड अ वन रूम ऑफिस एंड नाउ वी हैव एक्सपैंडेड वी अबाउट 100 पीपल इन थ्री ज्योग्राफीज सऊदी अरेबिया कतर एंड दुबई. देखिए ओवर द इयर्स वी हैव आवर कस्टमर प्रोफाइल हैज इंप्रूव्ड ट्रेमेंडसली. सो आवर कस्टमर्स आर लाइक एडनॉल, अरामको, कतर पेट्रोलियम, अशगाल. सो द कस्टमर्स आर टॉप क्वालिटी. हमारा जो इंटरनेशनल बिजनेस प्लान है थ्रू ऑक्टोपस, यू हैव टू रियलाइज कि हमने पिछले आईपीओ के अंदर एक सर्विस मॉडल डेवलप किया था और पाकिस्तान के अंदर. सो दैट सर्विस मॉडल इज वेरी सक्सेसफुल एंड अ लॉट ऑफ आवर कस्टमर्स हैव अ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट विद अस, जिससे जिसके थ्रू हम उनकी एसेट इंप्रूवमेंट और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उन्हें उनकी फैक्ट्री फ्लोर पे. वही जो हमारा मॉडल है, एक तो उसको हमने एक्सपैंड करना है टू आर प्रोजेक्ट कस्टमर बेस विच इज ऑलरेडी देयर नाउ इन मिडल ईस्ट. सो दैट वन पोर्शन ऑफ आवर बिजनेस प्लान इज जस्ट डुप्लीकेटिंग अ बिजनेस दैट हैज बीन सक्सेसफुली जनरेटेड इन पाकिस्तान और वो बिजनेस हमें बहुत हाई वैल्यू रिकरिंग रेवेन्यू देता है. उसी को हमने तो एक तो इन्वेस्ट, फिर जो हमारा डिजिटल कंपोनेंट जो हमने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेवलप की है दैट गोज वेरी वेल, इट्स लाइक हैंड इन ग्लव विद आवर सर्विसेज बिजनेस. सो उसी के थ्रू पाकिस्तान में सर्विसेज बिजनेस के थ्रू करना है और उसी तरह हमने इंटरनेशनली करना है. तो इट इज ऑल अबाउट सर्विसेज, रिकरिंग रेवेन्यू एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. तो ये हमारा बिजनेस प्लान है और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को ये पहले करना है, इसीलिए मैं दो साल की बार बार बात करता हूं. वी कैन गो अहेड एंड गो टू एनी कस्टमर बट वी हैव सच अ टॉप क्वालिटी कस्टमर बेस विच इज द लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट और सबसे पहले हमने उनके पास जाना है और सिनर्जी डेवलप करके अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस के ऊपर डिजिटल सुपर इम्पोज कर देना. वक्फे ब्रदर, आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक. नाजरीन, वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का. वी विल रिज्यूम द डिस्कशन विद मिस्टर बख्तियार फ्रॉम द सेम पॉइंट दैट वी वर जस्ट डिस्कसिंग. लेट्स मीट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. वेलकम बैक नाजरीन. नाजरीन, प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमारी बातचीत हुई बख्तियार साहब से. बख्तियार साहब हैपन्स टू बी द चेयरमैन ऑफ ऑक्टोपस एंड द सीईओ ऑफ एवेंसी एंड देयर कंपनी हैज़ डन फिनोमिनली वेल. इट वाज अ कंपनी व्हिच वाज लिस्टेड एवेंसी ऑन 7 साल पहले. आज 7 साल बाद वी हैव सीन अनदर टेक्नोलॉजी कंपनी कमिंग टू द मार्केट. काफ़ी सारे लोगों को, अपने पीयर्स को बीएमए ने परेशान किया बिकॉज ऑफ द फिनोमिनल रिजल्ट. थोड़े सा तनकीद का भी सामना रहा बिकॉज हेल्दी मार्केट्स में तो इस तरह की बातें नहीं होती हैं, बट वी हैपन टू बी अ यूनिक एंड अ डिफरेंट मार्केट. काफ़ी सारे लोगों ने कहा, काफ़ी एक दो कंपेटिटर्स ने कहा कि यार इनका शेयर 100 रुपये का बिक सकता था, देखो इनके साथ जुल्म कर दिया, उसको जो है 40 रुपये का बिकवा दिया. अब सारी बाजार, सारे इन्वेस्टर्स, बहुत सारे इश्यूअर्स ये कह रहे हैं कि इस कंपनी की वैल्यूएशन का एक फुट स्टेप इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया गया है कि लोग 400, 600, 700 रुपए की प्राइस को इसके लिए मजाक समझ रहे हैं. बिकॉज देखें, जिस कंपनी ने 80 करोड़ रुपए मांगे हो, सोचिए इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस का क्या लेवल है कि 30 अरब रुपए आ गए हों. जिस कंपनी के लिए लोग सोचते हों कि इतनी ख़राब बाज़ार चल रही है, बाज़ार का सेंटिमेंट इतना नेगेटिव है कि 4,000 से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, पीपल वर सेइंग कि 2,000 इन्वेस्टर भी नहीं आएगा, वी सॉ के 11,406 इन्वेस्टर पार्टिसिपेटेड जस्ट फॉर 500 शेयर की दरख्वास्त के लिए. सो वंस अगेन हेड्स ऑफ टू बोथ बीएमए एंड टू द एवेंसियन एंड द मैनेजमेंट ऑफ ऑक्टोपस. ब्रदर बख्तियार, आखिर में हम ये चाहेंगे कि गोइंग फॉरवर्ड आपके जो प्लान्स हैं उसको बताएं, लेकिन उसके साथ साथ जो कैपिटल मार्केट का नया इन्वेस्टर है वो ज़रूर जानने में इंटरेस्टेड होगा कि आपके ब्रोशर में लिखा हुआ है कि आप 5 साल के अंदर जो है, 3 साल के अंदर जो है वो 25% की डिवेस्टमेंट करेंगे. अभी सिर्फ 20% की डिवेस्टमेंट हुई है और गोइंग फॉरवर्ड आपको 5% की फर्दर डिवेस्टमेंट करनी है. पीपल आर इनफैक्ट थिंकिंग कि क्या आप कोई नया इशू भी दे सकते हैं, राइट का इशू भी पहले से दे सकते हैं, या आप सिर्फ 3 साल में ये 5% शेयर्स जो हैं वो इसी तरह डाइवर्स करेंगे जिस तरह आप कर रहे हैं.
ये आपका क्वेश्चन जो है ना दिस इज अ वेरी इम्पोर्टेंट एंड इम्पोर्टेंट रिलेटेड टू द बिजनेस प्लान एंड ऑल्सो क्वाइट अ लोडेड क्वेश्चन. देखिए जो हम द बिजनेस दैट वी कंसीव्ड उसके लिए 1 बिलियन रुपया या 2 बिलियन रुपया काफी नहीं है. इफ वी अचीव सक्सेस एंड दैट्स व्हाई अगर आप पिछले सेगमेंट में आपको ये बताता रहा 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट है. सो द रिक्वायरमेंट कुड बी इमेंस. ये जिन मार्केट्स में अभी हम काम करेंगे और जहां हमने अपना पहला सक्सेस अचीव करना है, आप इसे समझें कि स्टेप जीरो है. We considered it step one because वो profit भी देगा, सब कुछ करेगा, but in the world scheme of things, it is step zero. Right. So the requirement after that can be humongous. Right. हमें बाहर से capital raise करना है, local से करके करना है, क्योंकि जब हम बाहर से भी capital raise करेंगे तो एक तो हमारी commitment है कि काम सारा पाकिस्तान में ही होना है. Right. And all the development work and everything has to be done in Pakistan. So all the scaling up and the cost सेंटर वुड ओनली बी पाकिस्तान. राइट. सो ये जो 3 साल का तो वैसे ही एक हमने पूरा एड्रेस करने के लिए, क्योंकि 1 साल की अपेरेंटली आई नो कि देयर इज अ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट दैट यू नो वी कांट डाइल्यूट एनी फर्दर फॉर 1 ईयर. आई मीन व्हाटएवर दैट इज, एनीवे वो तो हमने एक कागज पूरे करने के लिए 3 साल का कहा है. दैट द अपॉर्चुनिटीज इफ वी अचीव आवर इनिशियल गोल्स आर सो मच कि जस्ट सिर्फ पाकिस्तान की पब्लिक ही नहीं, वी विल हैव टू रेज कैपिटल इंटरनेशनली एट अ मच हायर लेवल दैट व्हाट वी स्टार्टेड फॉर. ओके ओके. सो ये वैल्यूएशन हम ऐसे नहीं सोच रहे कि जो हमने बनाए हुए हैं, इट कैन गो टू एनी लेवल. वुड इट बी $1 बिलियन, वुड इट बी $3 बिलियन, आई डोंट नो व्हाट द वैल्यूएशन वुड बी आफ्टर. सो वी अगर हम वो सोचना शुरू कर दें तो हमारी टीम थोड़ी डाइल्यूट होके गलत साइड. वी आर जस्ट फोकसिंग टू वर्क एंड मीट आवर टारगेट्स ऑफ द फर्स्ट 2 इयर्स, बिकॉज इफ वी डू दैट देन देयर इज नो लिमिट. अंडरस्टूड अंडरस्टूड. मैं नाज़रीन के लिए एक चीज शेयर करना चाहूंगा. हमने TRG के नंबर्स देखे और हमने देखा कि वॉलमार्ट जो है, ऑल दो बहुत सारे कॉल सेंटर केबल से लेके और सेलफोन तक और सेलफोन की वारंटीज तक बहुत सारा बिजनेस पाकिस्तान से ड्राइव करते हैं, पर व्हेन वी लुक एट TRG के लिए सिर्फ एक छोटी सी खबर आई थी कि आईबैक्स को वॉलमार्ट का काम मिल सकता है. हमने देखा कि उसमें बहुत ही एक बड़ी फिनोमिनल रैली थी. व्हेन वी लुक एट द मॉडल ऑफ ऑक्टोपस एंड द वर्क दैट एवेंसियन हैज़ डन इन द मार्केट एंड द क्लाइंटल दे हैव अचीव्ड, तो बहुत ही साफ नज़र आता है कि दे हैव अ क्लियर डायरेक्शन. Topware is a term which is new in the technology industry. और पाकिस्तान में अगर कोई कंपनी इसको न सिर्फ अडॉप्ट कर रही है, बट they've already got a clientele that want to use this technology. Not only that, but there are customers that they are using it. So this is great of them. आखिर में Bakhtiar साहब, I would want you to kindly give a message to your investors. I can only say कि देखिए मुझे investing का इतना पता नहीं है. My only investment is in my own company and that also started with zero and I have plowed back everything that I've earned in the same company. So अगर आप मुझे कहें कि मैं कोई बड़ा savvy investor हूँ और मुख्तलिफ investments करता हूँ, that है. So I can only commit that we will give it 100%. Our team is probably the best team that anybody can dream of. Extremely talented and committed individuals. So you have to be patient with them and inshallah, we will rise up to your expectations. Great. Bakhtiar sahab, aapka program ke liye waqt nikalne ka bahut bahut shukriya. Nazreen, it's time for a short break. Waqfe ke baad hamare saath maujood honge Mauzim Malik. He happens to be the head and the one who runs the BMA Capital. Hum unse baatcheet karenge. Welcome back, Nazreen. नाज़रीन, प्रोग्राम के पिछले सेगमेंट में आपने देखा कि बख्तियार हैज़ गॉट एन एक्सेलेंट प्लान 3 to 5 years. सर्टन थिंग्स विच ही कुडंट डिस्क्लोज बिकॉज ऑफ द लॉज रिक्वायरमेंट
But we have seen the potential in the company. We have seen the case of TRG and other companies. We have seen what other companies are doing globally. 14% ke multiple generally hote hain region, maybe globally. So when you look at the idea, when you look at the company, a word less than super doesn't suit to this initiative. At this juncture, we have got Mr. Muazzam Malik, who heads the BMA. Muazzam Saab, welcome to the show and Assalamu Alaikum. Muazzam Saab, Bakhtiyar Saab se abhi humari guftugu ho rahi thi, unhone apna initiative, apna plan share kiya. What do you have to say at this great juncture? Sabse pehle, Bismillah Rahman Rahim. This is a fantastic development for the Pakistan capital market. Ye jo company Octopus Digital hai, this is a beautiful company to kick off the digital revolution in Pakistan. ये इससे कई बड़ी अच्छी चीजें हुई हैं. सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ PSX का और SECP का, जिन्होंने हमारे साथ बहुत तावन किया और इसकी बैकग्राउंड में उन लोगों ने वीकेंड्स पे अपना काम किया. सो आई थिंक वी हैव टू बी वेरी थैंकफुल टू द रेगुलेटर्स हु मेड द एनवायरनमेंट इनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर कंपनीज लाइक दिस टू कम टू एन IPO. दूसरा, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनका मैं शुक्रगुजार हूँ. इसमें मुझे बताया गया है कि जो हमारी पब्लिक सब्सक्रिप्शन कंप्लीट हुई है उसमें आप समझ लें 6000 नए इन्वेस्टर्स जिन्होंने पहले कभी पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया था वो आए हैं, और ये एक बहुत अच्छा निशानदेही है फॉर द फ्यूचर. इसमें RDA के भी इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया, और माशाल्लाह पाकिस्तान की हाईएस्ट एवर सब्सक्रिप्शन इन द हिस्ट्री ऑफ द PSX हुई है. ये जो इवेंट है ये एक आप समझ लें दरवाजा खोल देती है पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए आके इन्वेस्ट करना और उनके लिए एक एग्जिट प्रोवाइड करना. पाकिस्तान में अमूमन लोग कहते थे कि आप एग्जिट नहीं ले सकते, मतलब कि आप इन्वेस्टमेंट करें और फिर आप इन्वेस्टमेंट से निकल नहीं सकते. माशाल्लाह ये ऑक्टोपस डिजिटल में जो हम लोगों ने पैसे रेज किए हैं दे आर क्लोज टू $200 मिलियन. सो जब लोग देखेंगे कि एक एग्जिट मिल सकता है $200 मिलियन का, तो बहुत सारे लोग और बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स जिनको हम लोगों ने भी कॉन्टेक्ट किया था ऑक्टोपस डिजिटल के लिए, जो इंटरेस्टेड है पाकिस्तान में, आप देखेंगे कि वो भी आएंगे. और ये एक और निशानदेही है कि जो आपकी पाकिस्तान में लिक्विडिटी का लोग कहते हैं, बिल्कुल लिक्विडिटी है पाकिस्तान में, आप लोगों के सारों के सामने आ गई है वो लिक्विडिटी. और इसमें उम्मीद है कि अब और डिजिटल कंपनीज आगे आएंगी और आगे आके स्टॉक मार्केट में एक्सप्लोर करेंगी अपॉर्चुनिटीज और इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी. Great. So, Muazzam Saab, we've been seeing for past 2.5 years ki takriban 1000 se 1500 accounts on a monthly basis band ho rahe the. Investor base 2062 se kam hokar 233000 tak gaya, fir usme gradually RDA ki wajah se dobara se izafa hua. Heads off to you ke 6000 naye investor you have injected fresh blood into the market. Do you have a plan to bring another technology company to the market, to the investor? बिल्कुल जी, हम लोगों का हमारी पाइपलाइन में कुछ IPOs हैं और उसमें कुछ IT कंपनीज हैं और कुछ मैन्युफैक्चरिंग की कंपनीज हैं. अभी शायद मैं उन सारों का नाम ना ले सकूं, पर मेरा ख्याल है कि अब हमें जो कांटेक्ट हमारा IT कंपनीज ने हमें कांटेक्ट करना शुरू कर दिया है, और हम लोग उम्मीद रखते हैं कि अच्छी कंपनीज को स्ट्रक्चर करके एट गुड वैल्यूएशन लेके आए टू द मार्केट, जिसमें कि हमारे पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स भी फायदा उठा सकें और जो इश्यूअर्स हैं उनको भी फायदा हो. अच्छा मुअज्जम साहब, आखिर में मैं चाहूँगा कि बहुत ही कॉमनली बाजार में ये बात हो रही है कि बाजार इतनी ज़्यादा डिप्रेस्ड थी, एंड डिस्पाइट दैट यू बीन एबल टू मैनेज दिस IPO वेरी वेल. सो आप स्पेसिफिकली कुछ कहना चाहेंगे ऑन दिस मार्केट सिचुएशन एंड हाउ डू यू लुक एट द मार्केट गोइंग फॉरवर्ड? आपको लगता है कि चीज़ें अब कुछ बेहतर होने की तवक्को है इन द न्यू फ्यूचर? बहुत तवक्को है जी, हम लोग पूरा इन्वेस्टेड हैं पाकिस्तान की मार्केट में और हम लोग देख रहे हैं जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं. तो टर्बुलेंस मार्केट्स में आती हैं, और ये टर्बुलेंस जो है ये एक तो ऑब्वियसली आपकी जो इमर्जिंग मार्केट से फ्रंटियर मार्केट्स में आए हैं हम लोग,
उसकी वजह से कुछ टर्बुलेंस हो रही है और वो टर्बुलेंस सेटल डाउन हो जाएगी. हमारा जो इमीडिएटली जो अभी टर्बुलेंस हो रही है वो कुछ हो रही है बिकॉज ऑफ द रोल ओवर वीक, बट उसके साथ साथ जो IMF का हमारी IMF के साथ जो मुजाकरात शुरू होने लगे हैं उसमें उसका आउटकम के लिए मार्केट जो है वो जरा सी टेंस है. और जो आपकी अफगानिस्तान में सिचुएशन है दैट इज ऑल्सो प्लेड आउट ऑन द मार्केट. सो मेरा ख्याल है कि ये जरा ओवर प्लेड पेसिमिज्म है और मार्केट में जहाँ पे कि आपको क्लोज टू 5 to 6 मल्टीपल्स के बेसिस पे आपको कंपनीज मिल रही हैं ये तो बहुत अच्छी बात है. इन्फ्लेशनरी प्रेशर के बारे में लोग बातें करते हैं पर ये इन्फ्लेशन जो है फूड इन्फ्लेशन इज अ पोस्ट कोविड फिनोमेना दैट इज देयर ग्लोबली. सो आप देखेंगे कि फूड इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशनरी प्रेशर की वजह से पूरे यूरोपियन अकॉमे यूके यूएसए में सारे इस चीज को बैटल करने की कोशिश कर रहे हैं. सो मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने जब भी कोई प्रॉब्लम आई है हम लोगों ने और हमारी गवर्नमेंट ने अभी तक तो मसला ठीक तरीके से हैंडल किया और उम्मीद है कि ये भी चीजें हम लोग निपट लेंगे. और ओके आखिरी पॉइंट जो बिल्कुल मैं आपसे लेना चाहूंगा दैट इज ऑन डॉलर की लोग बात कर रहे हैं कि ये 170 पर स्टेबल होता हुआ नजर आ रहा है. सो गिवन दिस सिचुएशन आप would you want to suggest one or two sectors to the investing audience ke kis sector ko is surat hal mein usko dekhna chahiye. dekhiye ji dollar ki wajah aur nervousness waise mujhe nazar nahi aati. mashallah hamare jo foreign exchange reserves hain they are at the highest ever in the history of the country. we have got 3 months cover of overall imports. that's a very healthy position to be in. इसी के साथ साथ जो डिवेल्युएशन से मार्केट में कंपनीज बेनिफिट करेंगी वो टेक्सटाइल कंपनीज होगी और पर्टिकुलरली वो टेक्सटाइल कंपनीज जो फुली इंटीग्रेटेड हैं वर्टिकली इंटीग्रेटेड हैं. अभी यूरोपियन यूनियन ने हमारा आज GSP का जो स्टेटस है उसको मेंटेन किया है तो मुझे यही लगता है कि इंशाल्लाह टेक्सटाइल सेक्टर बड़ा अच्छा करेगा. और मैं उम्मीद रखता हूँ जो डिजिटल एक्सपोर्ट कर रही हैं जो IT की एक्सपोर्ट कंपनीज हैं उनको भी बहुत फायदा होगा. ओके ग्रेट. सो मुअज्जम साहब आखिर में आई वुड वांट यू टू गिव अ मैसेज टू द इन्वेस्टर्स रेगुलेटर और टू एनीवन आवर प्लेटफॉर्म इज अवेलेबल. मैं तो यू नो रेगुलेटर का तो मैंने आपको जैसे कहा है शुक्रिया मैंने किया है. मैं इसके साथ सिर्फ ये कहूंगा कि जो बैकग्राउंड है हम लोगों ने बड़े लोगों के साथ काम किया है इसमें बहुत सारी नई चीजें हुई हैं और मैं ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स का थैंक यू करूंगा बट मैं ये भी एक शुक्र करना चाहता हूं और थैंक यू करना चाहता हूं फॉर द लेडीज दैट हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस IPO इन द बैकग्राउंड. SECP में देर इज अ लॉट ऑफ लेडीज दैट आई वॉन्ट टू थैंक एंड दे नो हु दे आर. PSX में देर आर लेडीज हु आर गोइंग टू थैंक. सो आई थिंक यू नो वी हैव हैड अ ग्रेट रन ऑन इन दिस IPO. ओके ग्रेट. मौसम साहब आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया. नाज़रीन आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगु रहे बख्तियार वाइन. ही इज़ द चेयरमैन ऑफ द ऑक्टोपस एंड द CEO ऑफ द एवेंसियन. मजीद हमारे साथ शरीक गुफ्तगु रहे मौसम मलिक जो कि चेयरमैन हैं BMA कैपिटल के. BMA कैपिटल वॉज द वन विच मैनेज्ड दिस ट्रांजेक्शन. दिस IPO ट्रांजेक्शन इज सेट टू बी पाकिस्तान्स हिस्टोरिक ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ हैविंग मोस्ट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स. ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन ने इसमें पार्टिसिपेट किया. ऑर्डिनरी इन्वेस्टर ने पार्टिसिपेट किया. व्हेन आई से ऑर्डिनरी आई मीन टू से 500 शेयर वाली दरख्वास्तें जो हैं वो फिनोमिनली इन ग्रेट नंबर्स दे टर्नड आउट. यानी 11,000 से ज़्यादा दरख्वास्तें पाकिस्तान की तारीख में रीसेंट हिस्ट्री में कभी नहीं आई. सो थैंक्स टू द इन्वेस्टर. थैंक्स टू मौज़म मलिक हिज टीम स्पेशली एवेंसियन. they came up with this great idea ke jo apni cream hai us cream ko unhone investors ko present kiya. aur jaise ke bakhtiyar ne kaha ke unke liye to ye bahut hi koi bahut hi different si cheez hai because ek aisa investor jisko wo kehte hain ke usko technology ki samajh nahi hai but us investor ne extraordinary confidence jo hai wo in par repose kiya. so when you look at the market when you look at the politics इट सजेस्ट के शायद जो पुराने कन्वेंशनल प्लेयर्स हैं उनको एवेंसियन और एयरलिंक का पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट में हिस्सा डालना शायद ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं लगा. बिकॉज़ व्हेन यू लुक एट द मार्केट ने बहुत ही
बुरे तरीके से बैडली प्ले किया, बट डिस्पाइट ऑल दैट व्हेन यू लुक एट द परफॉर्मेंस ऑफ दीज टू स्टॉक्स दे डिड फिनोमिनली वेल. यू टॉक अबाउट एयरलिंक, 1300 पॉइंट्स मार्केट में गिरे हुए थे बट एयरलिंक वॉज एट द अपर लॉक, दे वर डूइंग ग्रेट. एंड व्हेन यू लुक एट दिस ऑक्टोपस, सेम डे इट वॉज द केस ऑफ पार्टिसिपेशन इन द IPO. And there is a standard saying in the market कि जब market ख़राब हो तो IPO नहीं लाना चाहिए. Both Octopus and Airlink उन्होंने इस myth को break किया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की participation दिखाई. अब तीसरी चीज़ की तरफ आ जाते हैं. When you look at the performance of the market, market में volumes एकदम चले जाते हैं, एकदम आ जाते हैं, लेकिन एक चीज़ है जो कि कांस्टेंट रहती है, दैट इज़ द लिवरेज. व्हेन यू लुक एट द लिवरेज, लिवरेज के नंबर हमेशा 40 अरब से ऊपर रहते हैं. सो चाबी जो है बाज़ार को एकदम ज़मीन पे नोज डाइव कराने की, वो 5 पैसे रोज़ अगेंस्ट 100 रुपीज़, वो चंद प्लेयर के हाथों में रहती है. जिस स्टॉक को जितना कूटना होता है अपनी मर्ज़ी से वो कूटते हैं, बिकॉज रेगुलेटर भी इसमें उनके साथ है. आई थिंक वो इसको जहाज समझता है कि बाज़ार में, मार्केट में नए इन्वेस्टर को आने नहीं देना. सो वैल्यू बाइंग के लिए भी स्पेस नहीं बचता, बिकॉज सामने वाला तो 5 पैसे में 100 रुपये का शेयर मार रहा होता है. इंडेक्स जो है वो 18-20 हज़ार डॉलर का एक पॉइंट पड़ता है. सो लोगों को इससे गरज नहीं है, बिकॉज अगर आप 100 रुपये नहीं फेंक रहे और सिर्फ 5 पैसे से मार्केट को मार रहे हैं 100 रुपये के हिसाब से, तो फिर शेयर नीचे आ जाना है और आप दोबारा से सस्ता शेयर ख़रीद लेते हैं. नाज़िश लुत्फ़ी ने इसी चीज़ को पॉइंट आउट किया था कि 30-35% महीने की बाज़ार को गिराना कोई मसला ही नहीं है. डिलीवरेबल फ्यूचर्स में कहा था 90 दिन का फ्यूचर्स आ जाएगा, तो बाज़ार में से ये जो मसाइल हैं वॉलेटिलिटी के, ये चले जाएंगे, वो और संजीदा हो गए, वो और ज़्यादा ख़राब हो गई सिचुएशन बाज़ार की. बट देयर इज़ नोबडी टू टेक केयर एंड लुक इनटू इट. होप के इसी गवर्नमेंट के रहते हुए कैपिटल मार्केट की तरफ भी कोई देख ले. नाज़रीन, बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे इस तरह के मौजूदात पर. इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़.